नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षद मिश्रा और आज हम लोग बात करेंगे बिहार की राजनीति में एक नई क्रांति लाने वाले, एक नई ऊर्जा फैलाने वाले प्रशांत किशोर जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही प्रशांत किशोर जिन्होंने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें बनाई है और सरकारें गिराई हैं, जिनकी सलाह के चलते बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारे प्रदेशों में जो है सरकार अपनी बनाई हुई है। तो उन्हीं प्रशांत किशोर के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले लगभग 20 महीनों से जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो कि गांधी जी के विचारों से काफी ज्यादा जो है प्रभावित हुए हैं, गांधी जी के पद चिन्हों पे चलते हुए। जैसे गांधी जी ने अपनी जो है यात्रा चंपारण से स्टार्ट की थी, उन्होंने प्रशांत किशोर ने भी अपनी जो है राजनीतिक पद यात्रा, जन सुराज पद यात्रा को जो है चंपारण से ही शुरू किया और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने घोषणा की थी कि हम अपनी पार्टी का नाम जो है पब्लिश करेंगे, अपनी पार्टी का मुख्य चेहरा पब्लिश करेंगे, पब्लिक को बताया जाएगा। बहुत दिन से जन सुराज अभियान चल रहा है, 2-2.5 बरस से चल रहा है। अब लोग पूछ रहा है दल कहिया बनेगा, तो आज दल बनाने के लिए आप जुटे हैं, तो एक बार स्वागत कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से जन सुराज को आधिकारिक तौर पर, जन सुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। नाम ठीक है, चुनाव आयोग के कहने से नहीं होगा। चुनाव आयोग अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर से चुनाव आयोग में प्रयास किया जाएगा। जन सुराज पार्टी नाम ठीक है, ठीक है भाई, सबने अप्रूव कर दिया ना? कहां की हाथ बिना उठाए कीजिएगा तो होगा, हाथ उठाकर बोलिए कर दिया अप्रूव। दल का नाम क्या है? उन्होंने आज एक प्रोग्राम किया पटना में, जिसमें लगभग कम 50,000 लोग आए हुए थे। उस 50,000 की भीड़ में जो है प्रशांत किशोर ने स्वयं कहा कि इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, और जो है यादव भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, हरिजन भी हैं। प्रशांत किशोर का मुख्य उद्देश्य जो है बिहार को बढ़ाना है, बिहार के पलायन को रोकना है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है, बिहार की अर्थव्यवस्था को सुधारना है। प्रशांत किशोर ने एक बात पर विशेष जोर दिया कि अगर जो है 2025 में प्रशांत किशोर के जन सुराज दल की अगर सरकार बनती है तो वो बिना किसी देरी के तुरंत तत्काल प्रभाव से जो है शराबबंदी को हटा देंगे, और जो टैक्स सरकार को के पास आएगा शराब के पैसे का, उसको प्रशांत किशोर बजट में ना शामिल करके उसको डायरेक्ट जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे खर्च करेंगे, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बदहाल है, ये किसी से भी छुपा नहीं है। और प्रशांत किशोर का एक इस पे अलग एंगल है कि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ही अगर जो है शिक्षित नहीं कर पाएंगे तो हम कितना भी इंडस्ट्री लगा लें, कितना भी फैक्ट्री लगा लें, जो है उसके लिए हमें जो है पढ़े लिखे एम्प्लॉई बाहर से ही बुलाने पड़ेंगे। यदि अगर हम जो है इंडस्ट्री भी लगा लेते हैं, अगर हमारे राज्य में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है तो हमें मजबूरन बाहर से लोग बुलाने पड़ेंगे। इस वजह से प्रशांत किशोर का कहना यह है कि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए और खास तौर पे जो शराबबंदी है उसको हटाना चाहिए, उसके पैसे से जो है शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। ये हालांकि प्रशांत किशोर जी की ये बात फैक्टफुल है, इस पे भी जो है काम करना चाहिए सरकार को, प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है उसको भी काम करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा जन सुराज का मतलब है कि जनता का राज, जिसमें जनता शासन करे, उसका जो है उसी पार्टी का नाम है जन सुराज। उन्होंने प्रशांत किशोर ने कहा हम लगभग 40 टिकट अपनी पार्टी में 2025 में आने वाले राज्यसभा चुनाव में मुस्लिम लोगों को देंगे, ताकि जो है कोई भेदभाव का जो है मुद्दा ना उठ सके। उन्होंने कहा हमारी पार्टी जन सुराज पार्टी यानी आप सबकी पार्टी है, इसमें प्रशांत किशोर मतलब कुछ नहीं है, प्रशांत किशोर की ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी जनता की है। प्रशांत किशोर के इस जो है वाक्य को सुन के जनता में काफी जन सैलाब आ गया, जनता काफी जो है प्रशांत किशोर से रिलेट करने लगी। प्रशांत किशोर बता दे कई बड़े बड़े राजनीतिक दलों के सलाहकार भी रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है प्रेजेंट टाइम दोस्तों प्रशांत किशोर की पार्टी का नाम जन सुराज पार्टी है, और प्रशांत किशोर लगभग पिछले 2 साल से लगभग 1700 जिलों में जो है पैदल यात्रा कर चुके हैं,
उनका कहना यह है कि लोगों से मिलने का और लोगों को समझने का इससे बेहतर माध्यम और कुछ नहीं हो सकता। ये प्रशांत किशोर का कहना है। प्रशांत किशोर का कहना है, अगर हमारी पार्टी जन स्वराज पार्टी 2025 में राज्यसभा चुनाव लड़ती है तो बिहार की 242 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। 242 की 241 सीटें नहीं होंगी, 242 मतलब 242 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रशांत किशोर का कहना यह भी है कि अगर जो है जन स्वराज दल की पार्टी की सरकार अगर एक भी वोट से गिर रही है तो सरकार हम गिरा लेंगे, लेकिन किसी भी पार्टी के साथ किसी भी परिस्थिति में गठबंधन नहीं करेंगे। उनका कहना है, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी के साथ किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा, मतलब गठबंधन नहीं किया जाएगा। अगर जन स्वराज दल की सरकार बनेगी तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, अगर सरकार नहीं बनेगी तो मुझे अगले 5 वर्ष तक फिर मेहनत करना पसंद है, लेकिन मैं किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार नहीं बनाऊंगा। ये प्रशांत किशोर के थोड़े कठिन वचन हैं। इस पे देखते हैं प्रशांत किशोर अमल कर पाते हैं कि नहीं। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर 2025 में बिहार में सरकार बना पाएंगे पूर्ण बहुमत की, या फिर कोई दूसरी पार्टी ही बाजी मार ले जाएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप लोग प्रशांत किशोर के इन फैक्टफुल बातों से प्रभावित हैं? क्या प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व से आप लोग परिचित हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।